नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आप देख रहे हैं छोटा सा बच्चा है, सिर्फ 10 साल के बच्चा है, बहुत परेशान है। इनके माँ साथ में है और ये लोग यहाँ आए हैं इसलिए कि बहुत दिनों से परेशान है। इस बच्चे को कुछ काटा, काटने के बाद ये लोग इधर उधर दौड़े और इलाज करने का प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी इसका शरीर में देख लीजिए और शरीर किस तरह इस पोजिशन में। इसको कहाँ लेके गए थे आप लोग पहले? डॉक्टर के पास खातून। चलिए तो दोस्तों देख रहे हैं कि इस बच्चे को जब लेकर गया सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ बोलते हैं इसका इलाज नहीं, और प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो बोलते हैं बहुत पैसा की आवश्यकता है और वहाँ इलाज कहाँ से कराएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। आप सभी जितने भी हमारा फॉलोअर से देख रहे हैं, देख इस बच्चे की क्या परिस्थिति है। अभी इसका शरीर में खून का बहुत कमी है, प्लस इसका प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और उसके साथ साथ इसको जो है लीवर में भी बहुत सारा समस्या है। तो इसको हम लोग ले जाएंगे और बेहतर इलाज कराने का प्रयास करेंगे। आप सभी को अनुरोध करें, जितने हमारा भैया अभी ईद से चल रहा रमजान के समय में, आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि इस बच्चे के पास खड़े रहिए और कुछ मदद करें ताकि इसका इलाज हो जाए, अपने परिवार के साथ अपना जिंदगी बिताए। जितने भी हमारा मित्र है, चाहे वो दुबई में हो, कतर में हो, चाहे सऊदी अरब में, इंडिया में, भारत में, बांग्लादेश में, जहाँ पर भी हो, आप सभी को अनुरोध करता हूँ बढ़ चढ़ के इस बच्चे को मदद करें। हम आपसे दुआ मांगते हैं। तो दोस्तों आप सभी को अनुरोध है कि नजमा जी, नजमा खातून, इनका अकाउंट नंबर दिया रहेगा। आपका नाम नजमा खातून है ना? आपके अकाउंट नंबर कौन बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का रहेगा और पेटीएम नंबर, फोन पे सब दिया रहेगा। आप सभी को अनुरोध करता हूँ बढ़ चढ़ के, आप सभी रमजान का समय है, प्लीज़ दोस्तों इनको मदद कीजिए ताकि इस बच्चे को देखें, एक लौता बच्चा है जिसके लिए ये दर दर भटक रहे हैं, बहुत परेशान है माँ, और हर माँ जो है अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। अब सभी को अनुरोध करूँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।